बीएड कर चुके विद्यार्थी, बीएड कर रहे विद्यार्थी और बीएड करने ली तैयारी करने वाले विद्यार्थियों लिए वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि असी बीएड इसलिए कर दे हाँ कि गवर्नमेंट जॉब लिए एलिजिबल बन जाइए, पर कई कारण करके सानू ये इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी कि गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी की है, नॉर्म्स की है, चेंज की आए और की मैं एनसीटी दे ते गवर्नमेंट दे रूल्स के मुताबक टीचर बनने लिए, गवर्नमेंट टीचर बनने लिए एलिजिबल हाँ। तो जो गाइडेंस मिलती है उदो कई बार तो देर हो चुकी होंगी है और कई बार इनफॉर्मेशन पूरी नहीं होंगी। ये वीडियो तुम्हें इनफॉर्मेशन देगी कि तुम किस तरह बीए दे अडिशनल पेपर दे सकते हो ता जो बीएड दे अडिशनल पेपर लई तुसी एलिजिबल बन जाओ। इस वीडियो विच सिर्फ गल करांगा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दी, ये भी नाल नाल डिस्कस करांगा कि इन्फॉर्मेशन अगे तो किस तरह लैनी है और केड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट डेट बीएड दे फॉर्म फिल करन दी, मेरे ही कॉलेज दा एक विद्यार्थी कह रहा सी कि बीए दे अडिशनल पेपर भरन दी 5 जुलाई लास्ट डेट है। उन्होंने मैं पूछा कि इन्फॉर्मेशन कितों लई है, केंद्र पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे बाहर जो दुकाना जां कैफे हैं उस तो इन्फॉर्मेशन लई है। तो फिर जो मैं रियल इन्फॉर्मेशन इनक्वायरी सैल तो पता की तो उन्होंने का कहना सी कि 10-15 जुलाई तो पहला तो नोटिफिकेशन सानू नहीं आती, उस तो पहला फॉर्म किवें भरे जाएंगे। सो ये गैप पैंदा है, पहला कैंडीडेट्स नूं रिक्वेस्ट है राइट वैलिड रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो अपनी इन्फॉर्मेशन लो, अदरवाइज मिसगाइड होवोगे। मैं ये नहीं कहना कि कैफे वालों तो जाना नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन राइट जी है वो यूनिवर्सिटी के सैल तो ही लैनी है। सो मैं एक्चुअल विच जो उन्होंने ये दस्या मैनू, क्योंकि ये दस्या गया सी यूनिवर्सिटी वालों जो मैं यूनिवर्सिटी गया इनक्वायरी सैल दे जो मिस्टर विशाल कौशल जी और मैडम भुपिंदरजीत कौर जी नू मिल के ये इन्फॉर्मेशन ली है, उन्होंने स्पैशल थैंक्स करता हाँ, रिपीटडली करांगा कि उन्होंने मैं अगस्त कही सी ते बच्चे की इन्फॉर्मेशन इसका मैच नहीं कर रही, तो उसका कारण पूछा, वो कहिंदे नोटिफिकेशन जिहड़ी है नोटिफाई सानू हुंदा है 10 जुलाई तो बाद। मैं फिर भी उरे करके दस्या है ये अगस्त आ जाती है, जो ही उन्होंने वो नोटिफिकेशन आती है मैं कोशिश करांगा तो इन्फॉर्मेशन नाल दे देवां, लेकिन ये प्रोसीजर आंदे आंदे अगस्त से शुरू हो जाता है। लेकिन तुसी जे बीए दे अडिशनल फॉर्म भरना चाहते हो तो 10-15 जुलाई तो इस डेट दे नेड़े कॉन्शियस हो जाना है, पता करते रहना है और अपने फॉर्म फिल करने हैं। सो ये फॉर्म ये क्योंकि देखो ये राइट इन्फॉर्मेशन महात्मा बुद्ध ने भी 8 अष्टांग मार्ग दिता सी, ते जो नॉलेज आया सी नॉलेज दे अगे राइट लिख दिता सी, नॉलेज तो इन्फॉर्मेशन शायद तुहाडे को भी है लेकिन राइट नहीं है। राइट इन्फॉर्मेशन देने वाले जिहड़े स्पैशल परसन, ग्रेट थैंक्स टू मिस्टर कौशल एंड मैडम भुपिंदरजीत जी इनक्वायरी सैल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, मैं इसलिए स्पैशल थैंक्स कर रहा हाँ जो ये इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी कर रहा हाँ। ये इन्फॉर्मेशन मैं जो सैल विच एंटर किया लंच टाइम सी और इन्ना ग्रेट थैंक्स करता हाँ, लंच टाइम दे विच उन्होंने मैनू रिस्पैक्टफुली बिठा के सारी इन्फॉर्मेशन मैं पेपर ते सारी लिखी हुई है जो ये वीडियो च तुहाडे सामने पेश कर रहा हाँ, और उन्होंने सर कहिंदे जो पूछना है पूछो और विद्यार्थियों नू एक रिक्वेस्ट करो कि काइंडली इन्फॉर्मेशन वैलिड सोर्स तो लैन, अदरवाइज मिसगाइड हो जाते हैं और उन्होंने जिहड़ी इन्फॉर्मेशन दित्ती उहदे नाल हर हालत विच तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो ग्रेजुएशन दे अडिशनल सौखे ते वधिया तरीके नाल ज्यादा करोगे, कारण अगे पता लग जाणगे। तो वो ए लास्ट डेट की गल हो गई है, मतलब नोटिफिकेशन की गल हो चुकी है। दूसरा पॉइंट साढ़े को है कि एनुअल सिस्टम है जां समिस्टर सिस्टम है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का वीडियो जिहड़ा पाया से उहदे विच दस्या सी एनुअल भी गुरु नानक है समिस्टर भी है, है ना, लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का सिस्टम समिस्टर वाइज ही चल रहा है। जो तुसी अडिशनल पेपर ग्रेजुएशन दे देने हैं, मतलब प्रेजेंट सिस्टम दे नाल है, ऑनलाइन है जां ऑफलाइन है। अगला क्वेश्चन है कि तुसी फॉर्म जिहड़े फिल करने ने, फॉर्म फिल करने ने ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होने ने, ऑफलाइन विच तां तुहानूं बॉडी नूं उत्थे लैके जाना पएगा ना, सो ऑनलाइन इज बैटर। कोविड तो बाद ये फैसिलिटी सारियां यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिती है। सो नेक्स्ट फीस बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो बीए दे अडिशनल दे रहे हो तो प्रैक्टिकल किसी भी सबजैक्ट का अडिशनल नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी जिस भी
सब्जेक्ट विच प्रैक्टिकल है उसका अडिशनल नहीं हो सकता। इतने साइंस के स्टूडेंट्स नूं थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बी एड जे करनी है तो उसनूं उन्होंने पहला सोचना पड़ेगा कि वह सब्जेक्ट पढ़े जाए जिहड़े स्कूल के नाल रेलेवेंट है, स्कूल विच जिहड़े सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, स्कूल विच जिन्हां दे अध्यापक अपॉइंट हुंदे हन। ते हाँ उन्हां दा जिहड़ा इलाज है वह भी दसदा हाँ, वह इलाज पोस्ट ग्रैजुएशन अगे चल के दसदा हाँ वह किस तरह करदे हन। लेकिन बी ए दे विद्यार्थियों लिए फैसिलिटी ज़्यादा लाहेवंद है। थोरैटिकल सबजैक्ट जिहड़े हन उन्हां दी फीस जिहड़ी तीन सालां दे पेपर होने हैं, छे समेस्टर दे पेपर होने हैं, वह है 9,060 रुपए। ये अज दी फीस है, जे वीडियो लेट हो जाती है तो फीस इस तो नैचुरली वध सकती है। ते कई बच्चे सीधे बुक शॉप ते जांदे हन जां किसे इस तरह जगह ते जांदे हन जिथे फॉर्म भी फिल किते जांदे हन। बाले विच तां इह बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि बुक शॉप ते जाके फॉर्म फिल किया जाता है और बच्चों तो क्योंकि मेरे स्टूडेंट खुद उन्होंने इनफॉर्मेशन दी है, सर ओ जी कहिंदे 10,000 दे दो तुहाडा काम हो जाएगा जां 10,500 दे दो, इट मीनस 1,000 या 1,500 रुपया वध लिया जाता है बच्चों तो सिर्फ फॉर्म फिल करन दा। ते ये माड़ी गल है कि असी फॉर्म भी अपना फिल नहीं कर सकते ते अच्छे अध्यापक ते अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। फीस है वो इन्नी है। अच्छा सेम यूनिवर्सिटी हो तो जे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो पिछली एजुकेशन चल रही है तो इन्नी है, जेकर दूसरी यूनिवर्सिटी तो तुसी आए हो तो तुहाडी फीस विच 1,880 रुपए 1,880 ये प्लस हो जाएंगे। अच्छा टाइम ऑफ अपीयरिंग इन एग्जाम तो होएगा इतने SEM 1 ते SEM 2 लिखा है, इसनों समझ लेना चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल SEM इतने लिख लें हाँ, दो तरह का डिवीजन होगी ना, एक SEM 1 चलेगा, इधर 2 चलेगा है ना, इधर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। हुन ए समिस्टर 1, 3, 5 ये जड़े ने दिसंबर जां जनवरी जेड़ा भी ये नेड़े है इना दे पेपर तुहाडे दिसंबर विच इकट्ठिया हो जाने हन। ये नहीं है कि एक बार होणगे अगले समिस्टर च होणगे अगले समिस्टर च होणगे, दिसंबर दे विच तुहाडे पेपर पहले सैम व थर्ड सैम दे जिहड़ा सिलेबस है, फिफ्थ सैम दा सिलेबस है वह दिसंबर विच हो जाना है। ये 3 सैम दे पूरे हो गए और जिहड़ा जून जुलाई दा है चल रहा है ना, डेट शीट तुसीं देख सकते हो, मैं एग्जैक्ट मंथ लगभग दस रहा है। दूसरे चौथे ते छेवें समिस्टर दे बी ए दे तुहाडे जून विच इन्हां तिन्नां दे हो जाने हन। सो इहदा मतलब है पहले पेपर दिसंबर च हो गए, दूसरे जून च हो गए, ते तुहानूं 6 तो 7 महीने लग रहे ने बी ए दे अडिशनल पेपर देण लई। वापस चलते हाँ, सब तो जरूरी गल जिहड़ी इस वीडियो की है जिहड़ी मैनू विशाल सर तो पता लगी, मैडम भुपिंदर जी तो पता लगी, ऑल आर वेलकम फ्रॉम पंजाब, कि तुसी पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी तो ग्रैजुएशन की हुई है, जे क्वेश्चन पूछा जाए तो की मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच जाके अपने बी ए दे अडिशनल पेपर दे सकदा हाँ, तो आंसर है यस। इस तो इलावा इसका मतलब है कि जे तुसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ईवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन्होंने LPU यूनिवर्सिटी PTU यूनिवर्सिटी इन्हों तो भी जे तुसी ग्रैजुएशन की है तो अडिशनल पेपर देने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच जा सकते हो। उन्हां विद्यार्थियों लिए ज़्यादा जरूरी इनफॉर्मेशन बन जाती है जिहड़े विद्यार्थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच बी एड कर रहे हैं, वो अगे जाके मैं इनफॉर्मेशन दिना हाँ कि बी एड करते करते नाल नाल असी दूसरे बी ए दे अडिशनल एग्जाम विच अपीयर हो सकते हैं। यस कैन आई अपीयर इन बी ए अडिशनल वाइल डूइंग बी एड, द आंसर इज यस। तुसी बी एड करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि जे बी एड कर रहे हाँ, ये बी एड का टाइम चल रहा है, मान लो SEM 1, 2, 3, 4 है ना, ये चल रहा है ना, तो ये करन तो बाद मान लो किसी बच्चे ने सिर्फ ये हिस्ट्री पढ़ी सी, सोशल साइंस लिए एलिजिबल नहीं है, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने उसनू बी एड करवा दी है हिस्ट्री दे, हिस्ट्री लई सी लेकिन हिस्ट्री दे नाल उन्हें SST का कॉम्बीनेशन ले लिया सी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लई उसनू 2 सोशल साइंसिज पढ़िया होनिया चाहिए हैं, हिस्ट्री प्लस मान लो पोलीटिकल साइंस जोग्राफी जां इकनोमिक्स है ना सोशियोलॉजी, वो लिस्ट वक्री होएगी। हुण पोलीटिकल साइंस का जिहड़ा है अडिशनल पेपर देना चाहता है ग्रैजुएशन का,
और उधरों बी एड पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच कर रहे ने ते वो इसे ही सेमिस्टरां विच एक दो तीन चार इन्हां दे विच ही वो पोलिटिकल साइंस का अडिशनल पेपर दे के जद तक बी एड हुंदी है ये मैं बार बार कई वीडियो च दस्या है जद तक बी एड हुंदी है ता वो बच्चा अडिशनल पेपर उसे टाइम पीरियड विच ही कर सकता है। सो ये यूनिवर्सिटी की विशेषता है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का वधेरे फायदा उठाया जा सकता है। इस नाल की होया तुहाडा एक साल बच गया, वन ईयर तुहाडा सेफ हो गया। तो बच्चा की करेगा जेकर उन्हें हिस्ट्री के नाल पोलिटिकल कर ली है, गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो गया, एस एस टी उस कोल पहला ही है। सो की होया कि बी एड विच ओ नॉट बी एड हो रही सी हिस्ट्री दे नाल एस एस टी उन्हें ऑप्ट कर लिया सी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दे के कि ग्रेजुएशन दे तुसी अडिशनल पेपर दे सकते हो, और जो अडिशनल पेपर दो हो गए तो गवर्नमेंट जॉब वाले की कहिंदे ने एन सी टी दी जिहड़े नॉर्म्स ने उन्हां मुताबक दो सोशल साइंसिज पढ़िया होनिया चाहीदियां हन, तो ये यूनिवर्सिटी जब तक इतने बी एड होनी है तुसी उस लई एलीजिबल हो जाना है। सो ये सब तो वड्डी विशेषता है, दैट इज़ वाई इत्थे यूनिवर्सिटी नूं वधेरे प्रैफर किया जा सकता है। पर एक गल नाल जिहड़ी सब तो जरूरी है कि जेकर बी एड का तुसी एग्जाम जिहड़ा चल रहा है सैम 1 2 3 4 है ना, उधरों तुसी बी ए दे एग्जाम भरे हुए ने। सो ये मान लो दिसंबर विच चल रहे ने, ओके ये चल रहे ने जून विच है ना, तो बी एड तो यदा जे एग्जाम डेट कट्ठी आ जाती कलैश हो जाता है वो जिम्मेवारी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नहीं लेंदी, उसके लिए बच्चा ही जिम्मेवार होएगा। इसलिए तुहानू की करना चाहिए है कि बी एड की पहला डेट शीट पिछली लगभग उही रहती है, और बी ए की जी डेट शीट है सैम जिदा 1 3 और 5 यदी डेट शीट देख लैनी चाहिए है। जे यदी डेट शीट नॉर्मली कलैश नहीं करती पर जे क्रैश कर जाती है तो तुहाडा जिहड़ा है अटैम्प्ट जिहड़ा है आप ही जीरो हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटी जिम्मेवार नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन है। अच्छा ये भी नहीं है, अगला पॉइंट यही है, ये नहीं है कि तुसी एक पेपर छड़ता तो नैक्सट बार दे दोगे, अजिहा नहीं है। जो बी ए दे अडिशनल पेपर देने हैं तो सारे पेपर ही देने पैने हैं, जे एक पेपर चो फेल होंगे हो फिर भी सारे पेपर गए, रीअपीयर नहीं आती, यही पॉइंट है, रिस्क ऑफ रीअपीयर, नो रीअपीयर नहीं आती बी ए दे विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच। और जे तुसी कोई पेपर छड दिता है बाय चांस, 6 पेपर देने से 5 पेपर दिते है ना, 3 पेपर देने से 2 पेपर दिते हैं, तो भी थोड़ी रीअपीयर नहीं आएगी, तुहानू सारे पेपर दोबारा देने पैणगे। दैट इज़ वाई मैनू सुजैसट कर दी हो, मैं भी जिहड़ियां नॉर्मली क्लैश कर दियाँ जां नहीं कर दियाँ डेट शीट वो पा दांगा कमेंट बॉक्स लिख दी हो। अच्छा ये उही गल है, कंपलसरी टू अपीयर इन ऑल एग्जाम ग्रेजुएशन फर्स्ट सैकेंड थर्ड ए बी पेपर वो जिवें होने हैं पिछे दस आया हाँ। माइग्रेशन रिक्वायर्ड है, जे तुसी दूसरी यूनिवर्सिटी तो पहला कोई कोर्स कर रहे सी तो इतों करना चाहते हो तो तुहानू माइग्रेशन की जरूरत पेगी, पर इहदा नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे देवांगा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दा, जे तुसी सीधी गल करनी इनक्वायरी करनी है तां भी कर सकते हो, मेरे जरिए भी कर सकते हो। मैं इसलिए है देखो सर ने इन्नी हैल्प की, मैडम ने इन्नी हैल्प की है वो किस लिए कि जिहड़े तुहाडे क्वेश्चन ने मैं गवर्नमेंट जॉब का एनालिसिस करके सारियां नूं इंटीग्रेट करके तुहाडे सामने पेश करां तां तुहानू सीधी नॉलेज मिल जाए है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत इनफॉर्मेशन इनक्वायरी ते बैठे शख्स नू बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटड, और सानू क्वेश्चन पूछने का कई बार तरीका नहीं पता होंदा, कई बार असीं उन्हां नू रिस्पैक्ट नहीं दिंदे, जिवें मैं भी गलती की, मैं लंच टाइम पर चला गया, देखो उन्हां दी महानता कि उन्होंने उदों सारी इनफॉर्मेशन दित्ती है। सो इस मेरे जरिए भी इनफॉर्मेशन लै सकते हो, मैनू सफिशेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन दिओ, मैं क्वेश्चन की वेरीफिकेशन करके फाइनल आंसर वो लभ के वीडियो बना के तुहानू दे दिया करूँगा। मैं चाहना हाँ रियली कि तुहाडा भी पूरा पूरा फायदा होवे, सर ते मैडम दी एनर्जी भी बचे, उन्होंने भी थोड़ी रेस्ट करनी हुंदी है, और एडमिशन जिहड़ी है राइट टाइम ते तुसी यूनिवर्सिटी विच लै सको। सो सीधा नंबर भी दे दांगा, सिलेबस किहड़ा होएगा ये पुछते हो, समिस्टर सिस्टम वाला करंट जिहड़ा ग्रेजुएशन का चल रहा है समिस्टर का उही सिलेबस होएगा, दूसरी यूनिवर्सिटियां विच ये गड़बड़ हुंदी है कि सिलेबस एनुअल वाला लभदे असीं रह जांदे हाँ, इनफॉर्मेशन मिलती नहीं है। इस यूनिवर्सिटी से फायदा है कि सेम सिलेबस चलेगा। कैन आई गिव टू, इतने थोड़ी जी करैक्शन कर लियो, क्वेश्चन की है कि जे तुसी पुछदे हो कि मैं दो इतने टू है TWO टू पेपर्स एडिशनल एट सेम टाइम
फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है वो देना चाहता है पोलीटिकल साइंस एक देना चाहता है पेपर है ना, अते दूसरा मान लो वो देना चाहता है हिस्ट्री है ना, कि इको टाइम पर मैं दो पेपर दे सकता है? तो यूनिवर्सिटी कहती है यस यू कैन, यस इट मीनस जड़े बच्चों बहुत घट केस होंगे ने, लेकिन आंसर है इनफॉर्मेशन है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ये फैसिलिटी रख रही है, इसलिए सू फायदा उठाना चाहिए है। एग्जाम्पल ही नीचे लिखी हुई है। एसी बीए दे अडिशनल ग्रेजुएशन दे अडिशनल देन बारे जानकारी जो कोई होर को जानकारी लेनी है तो तुसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच इनक्वायरी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का भी नंबर दिता गया है और एक दो नंबर जिहड़े मेरे नाल रिलेटेड ने तुहानू इनफॉर्मेशन जित्थों मिल सकती है, होर रिलेटेड इनफॉर्मेशन बी एड बारे लैनी है वह भी इनफॉर्मेशन मिल सकती है, इन्हां नंबरां ते गल कर सकते हो। इस तरह का वीडियो बी एड का एडिशनल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला चौक किस तरह दिता जाता है, की फीस है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम उन्हां दा आंसर दिते जाणगे, उहदा लिंक नीचे इस वीडियो दे पा दिता जाएगा। स्पैशल थैंक्स अगेन विशाल कौशल एंड भुपिंदरजीत मैडम ने क्लीयर ते वैलिड इनफॉर्मेशन दिती तुहाडे तक पहुँची, तुहानू भी उन्हां दा थैंक्स करना चाहिए है। अगली इनफॉर्मेशन भी वो अपडेट जो भी मैं पुछदा हाँ फोन करदा हाँ इनकुआरी सैल ते पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच उसे वक्त 3, 4, 5, 7, 8, 10 सैकेंड विच मिल जाती है। ग्रेट थैंक्स मिस्टर विशाल कौशल जी एंड भुपिंदरजीत मैडम, थैंक यू जी।